आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस वीडियो में बीएड में कौन कौन से वहाँ पे कोर्स है उनके क्या एग्ज़ाम पैटर्न है सिलेबस के बारे में यानी सिलेबस क्या हो सकता है उसके बारे में और साथ ही कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटजी के साथ आपको क्या क्या बुक लिस्ट सब फॉलो कर सकते हैं अपलीकेशन फॉर्म के बारे में एंट्रेंस एग्जाम इन सारी चीज़ टॉपिक्स के बारे में और कितने वहाँ पर सीट्स हैं वो सारा डिटेल आपको दिया जाएगा वीडियो एंड तक देखिएगा डेफ़िनेटली आपके लिए हेल्प करेगा आते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बी एड के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें हालांकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो सारे कोर्स का एक बार ही आएगा ऐसा नहीं कि बी एड का पहले आएगा और आर कोर्स का बाद में आएगा तो ऐसे में आई वुड रिकमेंड कि बी एड का जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला होगा वो आपके अराउंड मार्च से अप्रैल के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं और वही एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो मई से जून के बीच में लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस की अगर हम बात करें तो सिक्स हंड्रेड है आ, आप अगर कोई एक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिक्स हंड्रेड है और अगर मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हर फॉर्म पे फोर हंड्रेड आपके ऐड होते चले जाएंगे ये जो फ़ी का चार्ज है वो जनरल ओ और एन और ई के लिए वही एस सी के लिए थ्री हंड्रेड और टू हंड्रेड एडिशनल जो है आपको मैंने बता दिया एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल के लेकर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया बाद बाकी आप थोड़ा कोर्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जानेंगे तो आपको पहले ही आइडिया रहेगा और देन आपको ये भी पता चले कि हाँ भाई कितना वेटिंग क्लियर हुआ होगा या नहीं होगा इस बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा तो आप पैनिक नहीं हो पाएंगे आते हैं आपके देखिए बी लैंग्वेज में जो है वहाँ पर बी एच कम कमचा में थर्टी वन सीट्स है और सिक्सटी सीट जो है वो वी में और एम में सिक्सटी सीट्स है ये दोनों जो है फीमेल के लिए और इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है। और ये हुआ कोर्स कोड मतलब आपका जो एग्ज़ाम का जो कोड होगा वो फाइव सिक्सटी फोर के नाम से रहेगा वही बी साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थर्टी सीट्स है ये साइंस में और 15 15 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए और ये मिक्स है इसमें मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए वही अगर बीएड मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 28 सीट जो है वो बी कमचा में है कैंपस में और इसके बाद वी में अगर देखा जाए तो 14 सीट्स है और एम पी जी में जी एस में आपका 14 सीट्स है इसके बाद इस तरीके से बी सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ में अगर बात करें तो थर्टी सीट्स बी एच कमचा में है और सेवनटीन सेवेंटी जो बी और एम में है अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्योंकि हालांकि बी एड वहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेस है बी एड के नाम पे जैसे कि बी एड स्पेशल एजुकेशन का भी लैंग्वेज में बी एड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज में भी देखा जाए तो एट एट सीट है दोनों में बी एड स्पेशल एजुकेशन साइंस में अगर बात करें तो नाइन सीट्स है हालांकि सीट्स उसी हिसाब से है क्योंकि बहुत सेक्टर uh, बड़ा है एरिया बड़ा है इस वजह से एंड नाइन सीट्स है बी बी एड स्पेशल एजुकेशन में बी एड स्पेशल एजुकेशन मैथेमेटिक्स में फाइव सीट्स एंड अगेन ये फाइव मैथेमेटिक्स में एंड ह्यूमैनिटीज़ के साथ स्पेशल एजुकेशन के नाम से यहाँ पे वो सारे हैं तो ये मैंने आपको दिखाया क्या सीट्स के बारे में लेकिन हर का कोर्स कोड अलग अलग है इसका मतलब आपका एंट्रेंस जो पेपर होगा उसका कोड अलग रहेगा ऐसा नहीं कि उसका सेम ही रहेगा जिस हिसाब से कोड दिख रहा है लेकिन हम फिर भी आपको वो डिटेल दिखा देंगे आते हैं अब आगे का इन्फॉर्मेशन देखिए मैंने आपको अप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया अब आते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो बी में रहने वाला होगा सारे कोर्सेज के लिए मतलब ये फिफ्टीन परसेंट जो सीट्स है वो आपके एस सी के लिए और एस टी के लिए सेवन पॉइंट फाइव ई डब्ल्यू एस के लिए टेन परसेंट और इसके अलावा जिनो एम्प्लॉय वार्ड हैं जो बी एच यू के उनका भी यहाँ पर रिजर्वेशन है ओ बी सी का ट्वेंटी सेवन परसेंट सोच लीजिए आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि यही वा, यही वजह होता है कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है और नॉर्मली आज के टाइम में इसके जो कट ऑफ है खासकर आप बी में जाना चाहते हैं तो आपको अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता तो उस हिसाब से आइडिया लग पाएगा कि कितना पूछा लेकिन ये कि, ले कि अब के चलिए अगर हंड्रेड एम सी पूछा जा रहा है तो उसमें एटलीस्ट आपको सेवेंटी के आसपास स्कोर करना पड़ेगा देन आपका एटलीस्ट ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हैं मिनिमम आपको सेवेंटी करना पड़ेगा अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हो इसके साथ ही यहाँ पे जिनका ना डिसेबिलिटी जो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है इसके अलावा जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो उनको भी मिलता है पेड सीट भी यहाँ पे है पेड सीट उनको मौका मिलता है जब जैसे हालांकि जो एंट्रेंस देते हैं उनको ही पेड सीट का मौका मिलता है ये भी आपको ऐड कर दें अब इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन नेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है अब हम आते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तभी आप एंट्रेंस क्वालीफाई करने के बाद एडमिशन ले पाएंगे अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप कोई भी स्टूडेंट्स हो तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि आपका बी में जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सो so, ये रहा यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपको साफ दिख रहा है आ, ये जो है एनसीईटी से रिकोगनाइज है पहली चीज़ और दूसरा ये कि ऑब्वियसली जानते हैं बी ए टू ईयर्स का होता है कोर्स कोड सबका मेंशन है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था यानी बी एड का 564, 565, फोर फाइव सिक्सटी इसके साथ ही इन सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है देख सकते हैं एटलीस्ट आपने जहां से भी बैचलर करा हो फिफ्ट फिफ्टी मार्क्स होना चाहिए चाहे वो साइंस हो सोशल साइंस हो ह्यूमेटीज़ हो कॉमर्स हो या इंजीनियरिंग सेक्टर हो एटलीस्ट आपका फिफ्टी होना चाहिए तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है आफ्टर क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन है जैसे इस तरीके से लैंग्वेज में कितने सीट्स हैं और उसमें भी बता दिया गया ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था या अभी इनिशियली में इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन में देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में लैंग्वेज है स्पेशल एजुकेशन में साइंस मैथमेटिक्स और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज भी है अब इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कैंडिडेट विद एटलीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स आदर इन बैचलर डिग्री इन और मास्टर डिग्री इन साइंस तो आपका बैचलर डिग्री अगर मास्टर्स भी की हुए हैं देन आप उसमें भी आप इलिजिबल हैं बट एटलीस्ट मास्टर्स में भी और बैचलर में भी फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए जैसे इसमें भी सेम सीन है और इसमें भी सेम रूल है यानी कि अभी एव में जो मैंने आपको कहानी बताया था बी के लिए इसमें भी सेम कहानी जैसे बैचलर के साथ साथ अगर कोई हो सकता है कि कोई मास्टर्स करने के बाद बी अप्लाई करे तो उनके लिए भी सेम सीन है यहाँ पर अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर एडेड है ए कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट वन स्कूल सब्जेक्ट एट दी ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन एज मेन सब्जेक्ट तो आपको कोई एक स्कूल सब्जेक्ट होना ज़रूरी है इसके साथ ही इसमें कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन नहीं करा ओवियसली कुछ बच्चे पूछेंगे तो इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है अब हम आते हैं आपके एग्जाम पैटर्न पे देख लीजिए कॉमन टेस्ट होंगे किसके किसके आपके बी एड लैंग्वेज का और बी एड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज जो स्पेशल उन दोनों का एक ही पेपर हो यानी कोर्स कोड्स फाइव सिक्सटी फोर और सेवन सिक्सटी सिक्सटीन का सेम पेपर होगा और एंट्रेंस टेस्ट कोड वन ज़ीरो टू के नाम से इसका एक ही होगा अब कैसा रहेगा पेपर देख लीजिए आपके 150 फिफ्टी मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे और टोटल जो एम होंगे वो आपके 100 एम होंगे और 100 एम से आपके 400 मार्क्स बनेंगे उसमें से 30 एम सी क्यू रहेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 अराउंड रीजिंग्स रहेगा और 13 करंट एजुकेशन सिनेरियो से रहेगा तो इससे ये मतलब ये ओवरऑल आपको ये आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला है यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर दिया है ये जो आपका पेपर होगा वो तो दो पार्ट में ही रहेगा जैसे ये देखा जाए जो फर्स्ट थर्टी एम रहेगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और करेंट एजुकेशन सिनेरियो से रहेगा इसके साथ ही आगे का ये है जैसे ये फिर से बोल रहे हैं देर विल बी फोर सब्जेक्ट ग्रुप लैंग्वेज साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द ग्रुप ऑफ विच बीन गिवन ऑप्शन इन द अप्लीकेशन फॉर्म यानी जो उन्होंने चूज़ करा है उसी के हिसाब से उनको सेवेंटी मार्क्स का सोल्व करना पड़ेगा जैसे अगर कोई मान लीजिए कि लैंग्वेज uh, से रहना लैंग्वेज अगर वो देना चाहता है तो लैंग्वेज में उनको चूज करना पड़ेगा कि हाँ भाई लैंग्वेज में अब जैसे लैंग्वेज में चूज करा हुआ लाइक वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत तो उससे उनको सेवेंटी एमसीक्यू पूछा जाएगा और थर्टी एमसीक्यू जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग और करो ये समझ ली इस बात को अब मान लीजिए कोई वैसे स्टूडेंट जो मैथ से देना चाहता है तो थर्टी तो एमसीक्यू सबके लिए रहेगा लेकिन 70 जो एम सी क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो आपका मैथ्स से रहेगा मतलब मैथ्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 के आसपास में उसके साथ ही सोशल साइंस में भी सेम सीन है तो ये इस तरीके का इसका सिलेबस है इसके बाद बी एड साइंस में भी इन्होंने मैंसन कर रखा है तो ओवरऑल सबका सिलेबस लगभग मतलब सबके एक ही हिसाब से ही जैसे अगर इसमें देखा जाए तो बी एड जो साइंस से करना चाहते हैं या स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट एंड हियरिंग इंपेयरमेंट में तो इसमें भी सेम सीन है सेम सीन है कि थर्टी मार्क्स आपके फिक्स हैं जो जो सबके लिए वैसे ही आपके लिए लेकिन जो रिमेनिंग जो सेवेंटी एम सी की वो उसमें इन्होंने ऑप्शन दे दिया जैसे ये देख लीजिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो साइंस वालों के लिए आप पूछा जाएगा बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस तो जो आप चूज करेंगे वो उसी आप से आपसे पूछा जाएगा आप जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम जो आपने चूज़ किया है उसी हिसाब से आपसे पूछा जाएगा तो ये बेसिकली आपको सिलेबस दिखा और हालांकि ये भी बता दें अगर सी यू सेट इम्प्लीमेंट होता है तब थोड़ा बहुत चेंज आ भी आएगा अदरवाइज अगर सी यू सेट इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप नाइन्टी परसेंट मान के चले कि यही आपका सिलेबस रहेगा आपको इसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करना चाहिए आई वुड रिकमेंड एंड मैं ये भी रिमाइंड कर दूँ आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं बी एच यू के लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूँगा आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे बी एच यू के लेकर आपको ज़रूर अपडेट कर जाएगी